हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली किचन में। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ आलू चीजी सैंडविच। तो आलू चीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आलू लिए हैं जिन्हें मैंने पहले बॉईल कर लिया था, अनियन लिए है बारीक चॉपिंग करके, ग्रीन चिली लिए है बारीक चॉपिंग करके, दो ब्रेड लिए हैं, चीज ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, ग्रीन चटनी ली है मैंने यहाँ पे धनिया की, और बटर लिया है मैंने इसके ऊपर स्प्रेडिंग करने के लिए। इस बटर को मैंने पहले ही मेल्ट कर लिया था। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो इनको साइड में करके हम आलू को अच्छे से मैश करके स्टफिंग करेंगे। इस तरीके से हम आलू को मैश कर सकते हैं फॉर्क की हेल्प से। मैं इसके जो फीलिंग है उसे मैं बिना फ्राई करे यूज में ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो इस मसाले को फ्राई करके भी यूज ले सकते हो। मिक्स कर लेंगे अंदर इसके सभी चीजों को। आप चाहे तो हाथ से भी आलू मैश कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, पूरा डाल रही हूँ मैं, एक चम्मच हो गया। जीरा पाउडर डाल देंगे, आधे टेबल स्पून मैंने जीरा पाउडर डाला है। नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधे टेबल स्पून नमक डाल दिया मैंने। ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, अगर ब्लैक पेपर पाउडर ऑप्शनल है आप चाहे तो आप डाल यूज कर सकते हैं इसके अंदर। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हो, या गरम मसाला, या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इस फिलिंग को अच्छे से। हमारा जो आलू का मसाला है वो बनके रेडी है, तो हम इसको साइड में कर देते हैं और ब्रेड्स रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड्स रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। बहुत ब्रेड्स पे हमको बटर लगाना है। इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड पे बटर लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर चटनी लगाएंगे। अगर आपको चटनी पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। दूसरी ब्रेड पे भी हम चटनी लगा लेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर जो हमने फीलिंग रेडी करी थी वो फीलिंग हम इसमें फिल करेंगे। इसको आप फ्राई करके भी यूज में ले सकते हैं। फीलिंग हमें अच्छे से फिल करनी है इसके अंदर, क्योंकि आप जितने अच्छे से इसमें मसाला भरेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है, तो मैं इसके ऊपर अब चीज लगा रही हूँ। आप चाहो तो चीज को इसमें मसाले में भी मिक्स करके लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं चीज आलू सैंडविच बना रही हूँ तो मैं इस पे चीज लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज ली है, आप चाहो तो चीज स्लाइस का यूज या चीज क्यूब का भी यूज कर सकते हो। हम अच्छे से इसके ऊपर चीज लगा देंगे, इसको कवर करके हम इसे तवे पे सेकेंगे। आप चाहो तो इसे ग्रिलर में भी सेक सकते हो। ब्रेड को सेकने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पैन। अब मैं इसे बटर से ग्रीस कर देती हूँ। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहो तो इस जगह घी का भी यूज कर सकते हो। तो हम इसमें बटर अच्छे से लगाएंगे और ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छे से सेकेंगे। बोथ साइड से हमको इसको सेकना है, तो मैं इस साइड पे भी इसका अच्छे से बटर लगा लेती हूँ। अच्छे से बटर लगाएं ताकि इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाए। इसे सेकते हैं हम अच्छे से। अब इसे हम अच्छे से पलटेंगे। ध्यान रखिए पलटते वक्त आपको अच्छे से इसे रखना है ताकि ये निकल नहीं जाए। ये देखिए एक पार्ट अच्छे से सेक चुका है, दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से सेकेंगे हम। इसी तरीके से प्रेस करें ताकि कॉर्नर भी अच्छे से सिक जाएं। इस तरीके से आप एक बार सैंडविच जरूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आएगा सैंडविच। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं,
बहुत ही यम्मी सा स्नैक है। हमारा जो सैंडविच है वो दोनों तरफ से अच्छे से सीख चुका है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, तो मैं प्लेटिंग करने के लिए यहाँ पे लिया टमाटर केचप। आप चाहो तो धनिया की चटनी या फिर हरी धनिया की चटनी, कोई सी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हो। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म सैंडविच बन के जो रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।